प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार रात जब उज्जैन में ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के नए परिसर महाकाल लोक का लोकार्पण किया तो चारों ओर इसी जयघोष की गुंज सुनाई दी। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच रक्षा सूत्र कलाभा बनाए गए। 15 फीट ऊंचे शिवलिंग के प्रतिकृति से मोदी ने रिमोट से जैसे अनावरण किया। अध्यात्म का यह नया आंगन आज से सभी के लिए खुल गया। महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद पीएम मोदी ने सभा को भाषण की शुरुआत की। महाकाल महादेव, महाकाल महाप्रभु, महाकाल महारुद्र, महाकाल नमस्तुते के साथ के उन्होंने कहा, महाकाल लोक के लौकिक कुछ भी नहीं, शंकर के सानिध्य में साधारण कुछ भी नहीं, सब कुछ अलौकिक है, असाधारण है, अविस्मरणीय है। अतीत में हमने देखा कि प्रयास हुए, परिस्थितियां पलटी, सत्ताएं बदली, भारत का शोषण भी हुआ, आजादी भी गई, इल्तुतमिश जैसे आक्रमणकारियों ने भारत की ऊर्जा को नष्ट करने का प्रयास किया। हमारे ऋषि ने कहा, महाकाल शिव की शरण में मृत्यु भी हमारा क्या कर लेगी। भारत इसलिए फिर उठ खड़ा हुआ। महाकाल का आशीर्वाद जब मिलता है तो काल की रेखाएं मिट जाती है। हमारे ज्योतिर्लिंगों का विकास भारतीय संस्कृति का विकास है। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि महाकाल बुलाया और ये बेटा ना आए। प्रधानमंत्री ने 29 मिनट तक सभा को संबोधित किया। उनका भाषण रात 8 बजे महाकाल के जयघोष के साथ शुरू होकर 8:30 पर महाकाल के जयघोष के साथ ही खत्म हुआ।